will be called as solution. So it is always homogeneous. Two or more things, दो या तीन चीजों को अगर आप मिलाएं और एक होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है तो वो सॉल्यूशन कहलाता है. ठीक है, तो जैसे मिक्सचर्स में हम देखा कि दो कंपोनेंट है, एक सॉल्यूट था एक सॉल्वेंट था. सॉल्यूशन में क्या होता है, एक सॉल्यूट होता है जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है और एक सॉल्वेंट होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है, और दूसरा होता है सॉल्यूट जो कि कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है. तो कंपोनेंट अगर हम देखें तो दो कंपोनेंट हैं इसके, वन इज सॉल्वेंट विच इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, and other one is solute which is present in less amount. ठीक है, तो या जिस चीज में आप घोलते हो किसी भी चीज को वो सॉल्वेंट कहलाता है, और जिस चीज को हम घोलते हैं वो सॉल्यूट कहलाता है. तो इट में भी सॉल्वेंट वन हुआ, दो सॉल्यूट मिला दिए आपने, जैसे लेमोनेट का एग्जांपल देखा हमने कि पानी लिया और पानी के अंदर हमने नींबू मिलाया और पानी के अंदर हमने क्या मिलाया, शुगर भी मिलाई, तो दो सॉल्यूट हो गए. ठीक है, तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस बना सकते हैं बेस्ड ऑन देयर कॉम्पोनेंट. लेकिन आपके जो कोर्स है नाइन्थ क्लास में, बाइनरी सॉल्वेंट ही, बाइनरी सॉल्यूशन का ही एग्जाम्पल भी हैं और बाइनरी सॉल्यूशंस को ही हम स्टडी भी करेंगे. तो बाइनरी सॉल्यूशंस बेसिकली होते क्या हैं? बाइनरी का मतलब होता है टू. बाइनरी इट मीन्स टू. तो ऐसे सॉल्यूशंस जिसमें दो कंपोनेंट है, एक सॉल्यूट है और दूसरा सॉल्वेंट है, वो कहलाते हैं आपके बाइनरी सॉल्यूशन. जैसे कि सॉल्ट एंड वाटर, शुगर एंड वाटर, तो ये क्या कहलाते हैं, बाइनरी सॉल्यूशंस कहलाते हैं. ठीक है, अब इसमें हमने देखा कि एग्जाम्पल ले लेते हैं. मान लो हमने क्या किया कि सॉल्यूशन लिया, सॉल्यूशन को हमने हमने क्या लिया, सॉल्ट लिया और सॉल्ट को पानी में मिलाना शुरू कर दिया. सॉल्ट को जैसे ही हम पानी में मिलाते हैं, पानी में मिलाने के बाद हम थोड़ी देर तक उसको मिलाते चले जाते हैं. लेकिन क्या होता है, एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि जब वो और आप नहीं मिला सकते, मतलब और आप नमक या चीनी उसके अंदर नहीं मिला सकते, और उस टाइम पे जो सॉल्यूशन तैयार होता है वो कहलाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन. तो इसको हम एक डायग्राम की हेल्प से देख लेते हैं. मान लो ये कंटेनर है, इसके अंदर आपने लिया वाटर. ठीक है, अब आप शुगर डालते जा रहे हो, हम शुगर सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो अभी ये घुलता चला जाएगा. हमने यहाँ पे एक क्या ग्लास रॉड रख लिया और ग्लास रॉड की हेल्प से हम इसको स्टिर करते जा रहे हैं. जब आप इसको स्टिर करते जा रहे हैं तो धीरे धीरे ये घुलता चला जाएगा. अभी ये कहलाएगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. क्योंकि इसके अंदर हम सॉल्यूट को मिक्स करते चले जा रहे हैं और वो मिक्स होता चला जा रहा है. सो सॉल्यूट कैन बी मिक्स्ड. तो दो सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट कैन बी मिक्स्ड, वो कहलाता है आपका अनसैचुरेटेड. अब क्या करोगे, थोड़ी देर के बाद हमने क्या करा, थोड़ी देर के बाद देखा हमने कि हम शुगर डाल तो रहे हैं लेकिन पानी के अंदर वो डिसॉल्व नहीं हो पा रहा है. मतलब पानी तो है, इसके अंदर शुगर आपको इस तरीके से पार्टिकल्स ऊपर के ऊपर ही दिखाई देंगे, वो डिसॉल्व फॉर्म में दिखाई नहीं देंगे. इट मींस नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड. अब हम इसमें और सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते हैं. उस टाइम पे ये बन जाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन. सैचुरेटेड सॉल्यूशन इट मीन्स नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड.
जिसमें अब आप और सॉल्यूट एडिट नहीं कर सकते हो। उसको आप कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब हम क्या कर दें, हम इसको अगर थोड़ा सा गर्म करते हैं इस सॉल्यूशन को, तो अब आप और चीनीज के अंदर घोल सकते हो। इसका मतलब किसी भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अगर हमें अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करें, टेम्परेचर को बढ़ा दें, हम इस सॉल्यूशन को गर्म करने के लिए रख दें, अगेन मोर एंड मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ कैन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन बी चेंज इनटू अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, कैसे चेंज कर सकते हैं, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे, टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी का रिलेशनशिप पढ़ेंगे, कि कैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज और डिक्रीज हो जाती है बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, नाउ कम ऑन दिस टॉपिक, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया, अब हमने इसको गर्म किया, नाउ वी हीट इट। अब हीट करने के बाद अब आप यह अनसैचुरेटेड में चेंज हो गया, नाउ यू कैन ऐड मोर एंड मोर सॉल्यूट, आप उसके अंदर डालते चले जा रहे हैं सॉल्यूशन को, लेकिन उसके बाद सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बाद भी एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि अब उसके अंदर आप और सॉल्यूट नहीं मिक्स कर सकते, नाउ इट बिकम्स अ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो डिफरेंस देख रहे हैं आप, देखो अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड में डिफरेंस ये है कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन इनिशियल स्टेज होती है किसी भी सॉल्यूशन की, जब आप उसके अंदर और सॉल्यूट घोलते चले जा रहे हो, तब तक वो अनसैचुरेटेड है। अब आपने देखा कि कुछ देर के बाद उसमें से सॉल्यूट घुलना बंद हो गया, नाउ इट बिकम्स अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जब अगेन आपने इसमें इसको गर्म करके अनसैचुरेटेड में चेंज किया और दोबारा से सॉल्यूट को ऐड करना स्टार्ट कर दिया, उसके बाद जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा वो कहलाएगा आपका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन स्टेज जो आती है वो सैचुरेटेड के बाद ही आती है, सैचुरेटेड से पहले सुपर सैचुरेटेड स्टेट नहीं आती है। तो ये डिफरेंस है, इट इज बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच इज डिजॉल्व। अनसैचुरेटेड मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड, unsaturated no more solute can be added, and when it becomes unsaturated by heating and you are adding more and more solute, after that a stage will come when no more solute can be added, this will be called as super saturated solution। okay, ye division tha solution ke solute aur solvent ke amount ke basis pe। ek division humne dekha कि इनकी फिजिकल स्टेट क्या क्या हो सकती है, जैसे कि मिक्सचर्स के एग्जांपल्स में हमने एरेटेड ड्रिंक्स वगैरह में देखा था। अब जो हम डिवीजन पढ़ने जा रहे हैं सॉल्यूशंस का, ये क्या है, नाउ दैट दिस डिवीजन इज बेस्ड ऑन पार्टिकल साइज। पार्टिकल का साइज डिफरेंस होने से तीन तरीके के सॉल्यूशंस बनते हैं, बेस्ड ऑन पार्टिकल साइज, सबसे छोटे जिनके पार्टिकल्स होते हैं वो आपके ट्रू सॉल्यूशंस कहलाते हैं, इसके बाद के कोलाइडल सॉल्यूशन कहलाते हैं, और तीसरे तरीके के सॉल्यूशंस कहलाते हैं आपके सस्पेंशन। ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। ट्रू सॉल्यूशन में जो पार्टिकल का साइज है, ये सॉल्यूट पार्टिकल का साइज है, तो पार्टिकल का साइज है, इट इज इन ऑर्डर ऑफ, इन रेंज ऑफ 1 नैनोमीटर। सो मैक्सिमम ऑफ 1 नैनोमीटर पार्टिकल्स जो आते हैं वो आपके ट्रू सॉल्यूशंस में आते हैं। तो ट्रू सॉल्यूशंस बेसिकली दे आर होमोजीनियस, क्योंकि इतने छोटे पार्टिकल्स हैं आप इनको नेक्ड आई से देख ही नहीं सकते हो, बहुत ज़्यादा छोटे पार्टिकल्स होते हैं। तो जो सॉल्ट सॉल्यूशन है, जो शुगर सॉल्यूशन है, वो एक ट्रू सॉल्यूशन की कैटेगरी में आता है, जिसमें पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर की रेंज का है, तो अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते, आपके लिए इसको हाई पावर रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है,
अगर हम दूसरे टाइप ऑफ पार्टिकल्स देखें, कोलाइडल सॉल्यूशन है जिसके अंदर जो पार्टिकल का साइज होता है इट इज फ्रॉम इट इज ग्रेटर देन वन नैनोमीटर एंड लेस देन 100 नैनोमीटर. इट मीन्स इज इन द रेंज ऑफ 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर, वो कहलाते हैं आपके कोलाइडल सॉल्यूशन. और अगर 100 नैनोमीटर से बड़े पार्टिकल्स हैं वो कहलाएंगे आपके सस्पेंशन सॉल्यूशन. तो नैनोमीटर क्या है? नैनोमीटर इज बेसिकली अ मेजरिंग यूनिट. बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स को अगर आपको मेजर करना है तो आप नैनोमीटर से मेजर कर सकते हैं. 1 नैनोमीटर जो होता है वो 10^-9 मीटर के इक्वल होता है. ये इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है. तो 10^-9 मीटर का मतलब है कि बहुत छोटे हैं. मतलब अगर हम 100 नैनोमीटर भी देख रहे हैं तो विजिबल तो होंगे आंखों से, लेकिन काफी छोटे पार्टिकल्स होते हैं ये भी. कोलाइडल पार्टिकल्स आर ऑल्सो नॉट विजिबल थ्रू आइस. लेकिन और ट्रू सॉल्यूशंस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी आप आसानी से अपनी आंखों से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं. तो मैंने अभी आपको बताया कि ट्रू सॉल्यूशंस होमोजीनियस होते हैं, इसके अंदर कोई डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में. कोलाइडल जो हैं दे आर हेट्रोजीनियस. ये पार्टिकल्स जो होते हैं, ये जो सॉल्यूशंस हैं, ये हेट्रोजीनियस होता है. लेकिन आपको लगेगा कि ये है होमोजीनियस है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं पार्टिकल्स, इसलिए हमको देखने में ये होमोजीनियस लगता है. अदरवाइज इट इज हेट्रोजीनियस इन नेचर. जैसे कि मिल्क, जो हम दूध जनरल हमारा जो हमारे घरों में दूध आता है वो एक कोलाइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल है. जो हमारा ब्लड है इट इज एन एग्जांपल ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन. ब्लड के अंदर क्या होता है? प्लाज्मा होता है. प्लाज्मा इज अ लिक्विड, तो वो आप सॉल्वेंट की तरह ले सकते हैं. और जो ब्लड के सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स हो गया, WBCs हो गए और प्लेटलेट्स हो गए, ये क्या है? सारे सॉल्यूट हैं, ये सब इसके अंदर मिक्स हैं. तो आपको जो ब्लड नजर आता है वो पूरा रेड कलर का नजर आता है, लेकिन पार्टिकल्स उसके नजर नहीं आते. तो इट इज सीम्स टू बी होमोजीनियस, बट पूरी तरीके से सॉल्युबल नहीं है प्लाज्मा के अंदर सारी चीजें. अगर हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखें तो आपको सब चीजें अलग से नजर आएंगी. तो ये क्या है? होमोजीनियस नहीं होता है, हेट्रोजीनियस है. और सस्पेंशन तो होता ही हेट्रोजीनियस है. जैसे आप मड और वाटर का मिक्सचर ले लें, आपने मिट्टी ली, पानी के अंदर मिला दिया, देखोगे कि अलग से मिट्टी के पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं, तो ये हमेशा हेट्रोजीनियस ही होते हैं. ओके, नेक्स्ट जो इसका प्रॉपर्टी है, अगर हम इनकी डिफरेंस के इस फॉर्म में ही पढ़ रहे हैं तो नेट प्रॉपर्टी कहलाती है सेडिमेंटेशन. तो पहले हम देख लेते हैं कि सेडिमेंटेशन होता क्या है. सेडिमेंटेशन का मतलब है कि आपने एक बिकर लिया या कोई बर्तन लिया, इसके अंदर पानी ले लिया और इसके अंदर हमने डाल दी मिट्टी, मट डाल दी. अब इसको अगर कांस्टेंट स्टर करते रहोगे, आप खिलाते रहोगे, तो ये थोड़ी देर तक तो घुली रहेगी. अब आपने इसको रेस्ट करने के लिए रख दिया, 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद आप क्या देखते हो कि सारी मिट्टी जो है वो बेस में नजर आती है, सेडिमेंट. तो ये क्या है? इट गेट सेडिमेंटेड. तो सेडिमेंटेशन का प्रोसेस क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच हैवी पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट गेट सेटल डाउन एट द बेस ऑफ कंटेनर बाय द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, उसको हम कहते हैं सेडिमेंटेशन. व्हाट इट? सेडिमेंटेशन इज अ प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स बाय द एक्शन ऑफ ग्रेविटी एट द बेस ऑफ कंटेनर विल बी कॉल्ड एज सेडिमेंटेशन. सेडिमेंटेशन अगर हम ट्रू सॉल्यूशंस की बात करें, ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल्स इतने छोटे हैं और होमोजीनियस है, तो उसके अंदर सेडिमेंटेशन होता ही नहीं है. सो नो सेडिमेंटेशन. ठीक है, कोलाइड की बात करें तो कोलाइड में भी सेडिमेंटेशन नहीं है, नो सेडिमेंटेशन. लेकिन सस्पेंशन में थोड़ी देर के बाद पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं, तो यस सेडिमेंटेशन हैपेंस. ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर हम फिल्टर पेपर फिल्टरेबिलिटी देखें इसकी, ठीक है, तो
सो इट कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर, पूरा सॉल्यूशन पास हो जाएगा। आप घरों में भी करके देख सकते हैं, क्योंकि नमक सबके पास है, सबके पास पानी होता है। आप सॉल्यूशन बना के देख लो और उसको फिल्टर पेपर में से पास करके देख लो, पूरा का पूरा सॉल्यूशन इसमें से पास हो जाएगा। कोलाइड के केस में भी सेम यही होता है, मिल्क और पानी को अगर हम मिलाएं, सॉल्यूशन बना दें कोलाइडल सॉल्यूशन, तो पूरा का पूरा मिल्क जो है वो पानी के साथ मिक्स होके पास आउट हो जाएगा। लेकिन सस्पेंशन के केस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि पार्टिकल का साइज, सॉल्यूट के पार्टिकल्स के साइज बड़ा है। तो पानी क्या होता है, अगर हमने यहाँ पे एक बीकर लिया और मड वाटर लिया और फिल्टर पेपर लगा के यहाँ पे कीप लगा के फिल्टर पेपर लगा दिया और यहाँ से मडी वाटर डाला, तो यहाँ मड ऊपर ही रह जाएगी और पानी जो है वो डस्टी वाटर जो है वो नीचे की साइड रेजिड्यू में चला जाएगा। तो ये जो है ये तो बन गया रेजिड्यू जो यहाँ पे रह गया, और जो निकल गया वो बन गया फिल्ट्रेट। ठीक है, तो इसमें रेजिड्यू बचता है और फिल्ट्रेट जो है वो बाहर निकल जाता है। सो ये था फिल्टरेबिलिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज टिंडल इफेक्ट। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। टिंडल इफेक्ट का डेफिनेशन पूछे जा सकते हैं, टिंडल इफेक्ट के आपके आपसे पूछा जा सकता है व्हाई इट हैपेंस। तो बेसिकली होता क्या है टिंडल इफेक्ट, पहले हम ये समझ लेते हैं। आपने देखा भी होगा, जनरली हम देखते भी हैं कि एक बहुत अंधेरा सा रूम होता है, उसमें बहुत अंधेरा हो रहा होता है और एक छोटे से छेद में से भी, छोटे से होल में से जब लाइट आ रही होती है सनलाइट की, पूरे कमरे में रोशनी दिखाई देती है। या अगर हम देखें डेंस फॉरेस्ट की बात करें, बहुत ज़्यादा घना जंगल है और जंगल जो है उसमें जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, घने घने पेड़ होते हैं, उनके बीच में से सन की रोशनी आ रही होती है। उस सन की रोशनी की वजह से पूरे जंगल में आपको दिन के समय रोशनी दिखाई देती है। क्यों हो रहा है वो? बिकॉज जो एयर के पार्टिकल्स होते हैं उसमें डस्ट के पार्टिकल्स भी हैं, और डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं बड़े, उनसे वो सनलाइट टकरा रही है एंड इट स्प्रेड्स आउट, स्कैटर हो जाती है डिफरेंट डायरेक्शन में, जिसकी वजह से आपको रोशनी दिखाई देती है। और इसी को ही हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। टिंडल इफेक्ट अब ट्रू सॉल्यूशंस में तो होगा ही नहीं, क्योंकि इसके पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं। कोलाइड और सस्पेंशन ये दोनों ही टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं। तो एक्सपेरिमेंट में हम क्या कर सकते हैं कि हमने यहाँ पे एक बीकर लिया, बीकर के अंदर आपने मिल्क सॉल्यूशन भर दिया, मिल्क और पानी को मिला के इसके अंदर फिल कर दिया। अब आपने क्या किया कि एक टॉर्च ली, ठीक है, और टॉर्च से रोशनी इसमें डाली, ठीक है। इफ इट इज अ मिल्क सॉल्यूशन तो इसके अंदर आपको साफ इसका पाथ जो है दिखाई देगा, आपको लाइट सॉल्यूशन के अंदर से दिखाई देगी जाती हुई। ये है टिंडल इफेक्ट। इफ द लाइट इज पास थ्रू कोलाइडर सॉल्यूशन और सस्पेंशन सॉल्यूशन एंड इट्स पाथ इज विजिबल इनसाइड द सॉल्यूशन इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट, ठीक है। लेकिन ये ट्रू सॉल्यूशन के केस में नहीं होगा। अगर आपने यहाँ पे नमक का पानी लिया होता, अगर आपने सॉल्ट सॉल्यूशन लिया होता, शुगर सॉल्यूशन लिया होता, तो आपको लाइट यहाँ से जाती हुई दिखाई देती और यहाँ से निकलती हुई दिखाई देती। इसके बीच में कोई लाइट नहीं दिखाई देती आपको, आपको सिंपल पानी दिखाई देता। होता क्या है बेसिकली टिंडल इफेक्ट में, होता क्या है देखिए, मान लीजिए हमने यहाँ सॉल्ट का सॉल्यूशन लिया, तो पार्टिकल्स इतने छोटे छोटे होते हैं कि लाइट जो है इसमें से साफ निकल जाती है, आपको स्कैटर्ड नहीं दिखती है। क्योंकि लाइट हमें कब दिख रही है, जब वो डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर होगी। और अगर यहाँ मिल्क के पार्टिकल्स होते या मड के पार्टिकल्स होते हैं, तो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं इन कंपैरिजन टू ट्रू सॉल्यूशन। लाइट रे जाएगी एंड इट विल स्प्रेड इन डिफरेंट डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन में टकरा के फैल जाएगी। इसलिए हमें ये पूरा पाथ जहाँ से लाइट जा रही है पूरा इल्यूमिनेटेड होता हुआ दिखाई देता है, पूरा चमचमाता हुआ दिखाई देता है, इसको ही हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। तो क्यों है टिंडल इफेक्ट? बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक ऑन एनी कोलाइडल पार्टिकल और एनी सस्पेंशन पार्टिकल, ठीक है। और इसकी डेफिनेशन अगर पूछी जा सकती है, व्हाट यू कैन से, व्हेन द लाइट द पाथ ऑफ द रेज विजिबल इनसाइड द कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन इट्स कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। तो ट्रू सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट नहीं देते हैं, बिकॉज इसके पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा है, इसलिए नो टिंडल इफेक्ट।
दे गिफ्ट इंटर इफेक्ट कोलाइडल एंड इन सस्पेंशन ऑल्सो दे ऑल्सो गिव टिंडर इफेक्ट. ठीक है, तो हमने सेडिमेंटेशन डिस्कस कर लिया, हमने फिल्टरेबिलिटी डिस्कस की, हमने होमोजेनिटी डिस्कस की, दे आर होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस एंड दे शो, दे डू नॉट शो टिंडर इफेक्ट, दे शो एंड दे ऑल्सो शो. तो ये कुछ डिफरेंस थे ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. ओके, गुड बाय.